रीवा के वीर सपूतों ने जब भी समय आया देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आज भूतपूर्व सैनिक कमांडो अरुण गौतम का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। परिवार ने कलेक्टर और रीवा एसपी से रासुका हटाने की गुहार लगाई है। रीवा में आर्मी के रिटायर्ड फौजी का परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। परिजनों ने गलत तरीके से लगाए गए रासुका को हटाने के लिए कलेक्टर और रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर रासुका की कार्रवाई की गई। वहीं रिटायर्ड फौजी भी गौतम के समर्थन में एसपी कार्यालय में न्याय के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि गौतम का परिवार हमेशा लोगों की मदद करता आया है। परिवार ने 2 दर्जन गरीब बच्चों को भी गोद लिया था। वहीं अब FIR दर्ज होने के बाद त्योंथर की जनता में काफी आक्रोश है। जनता ने चाकघाट थाने में गिरफ्तारी का विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि कमांडो अरुण गौतम ने बिजली कार्यालय में जनता के हक की लड़ाई के लिए अनशन किया था, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने षड्यंत्र कर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। कई मामले उनके खिलाफ दर्ज कर लिए गए। इसके साथ ही बिना औचित्य के NSA लगा दिया गया। इसी को लेकर परिवार ने कलेक्टर और SP से गुहार लगाई है। SP द्वारा आश्वासन यही दिया गया है कि इसकी हम जांच करेंगे निष्पक्ष, और जैसा भी जांच में होगा तो उसकी हम कार्रवाई करेंगे। जिस दिन से उनको लॉकअप किए हैं उस दिन से मैं लगातार इलाहाबाद रीवा कर रही हूँ। आज मुझे SP, मैं कल भी यहाँ सुबह 10 बजे से बैठी थी, आज SP साहब मिले लेखे, और अभी भी हमको वहाँ मिलने की अनुमति अभी तक नहीं मिली। मैं तो मिलने की अनुमति लेने गई थी, ज्ञापन भाई लोग देने गए थे, उसके साथ मिलने की अनुमति भी अभी हमको नहीं मिली हुई है। आश्वासन यही दिए हैं कि 2-3 दिन में देखते हैं, जांच करते हैं, जैसा हम उचित कार्रवाई करेंगे। पूर्व सैनिक कमांडो अरुण कुमार गौतम के साथ में जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो रासुका जैसी कार्रवाई की गई, उसके समक्ष में मैंने SP साहब को ज्ञापन सौंपा है, और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी और जो भी होगा निष्पक्ष होगा, इस तरह से आश्वासन दिया गया है। अरुण गौतम और कमांडो द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को एक उनका जो ट्रांसफार्मर लगाने गए थे उस दौरान उनके शासकीय कार्य बाधा डाली गई और उनको बंधक बनाया गया। उसको देखते हुए उनका पिछला रिकॉर्ड भी निकाला गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी दौरान जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है, तो संपूर्ण अपराध रिकॉर्ड और जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पर कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की और विभिन्न प्रकार के कार्यों को रोक लगाकर बाधा पहुँचाई, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि उनके खिलाफ NSA कार्रवाई की जाए। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।